हाय फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बातें करेंगे कि सीओसी गेम तो कैसे प्ले किया जाता है और इसमें क्या क्या बात है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। तो सीओसी के बारे में जितना बेसिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो लोग सीओसी प्ले करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं है क्या है सीओसी के अंदर, या समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके बारे में ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि सीओसी कैसा होता है एवं कैसे प्ले करना होता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं सीओसी कैसे प्ले करते हैं। आप जब सीओसी डाउनलोड करोगे, सीओसी गेम जब डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, तो ऐसा एक आपके पास आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। तो प्ले करने के बाद इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है हम लोगों को। क्या पहले ये जैसा बोलेगा वैसे ही फॉलो करते रहना। जैसे मेरे को बोल रहा है अभी शॉप में जाने के लिए, तो शॉप में जा रहा हूँ। शॉप में जाके देखना है, देखो एक डिफेंस लेने के लिए, कैनन लेने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, एक डिफेंस में ले लिया। अभी इसको देखो फिनिश नाउ करने के लिए जेम्स दिखा रहा है, 1 जेम्स फिनिश नाउ। लेकिन इस पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ इसमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उधर देखिए टाइमिंग दे रहा है, ऑटोमेटिकली वो 10 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखो मेरा अपग्रेड हो गया, अभी ये क्या बता रहे, बेइंग इट ऑन, ऑन करने के लिए। मैं ऑन कर दिया मेरा, अभी वो अपडेट हो गया। अभी क्या होता है देखो, गॉबलिन आ रहे हैं, वो मेरा कुछ भी चोरी करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, वो मेरा डिफेंस जो है, मैं बैठा है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो जो भी आया बंदा को मार दिया, तो ऐसे ही क्या हुआ, प्रोटेक्ट करता है अपना जो डिफेंस सिस्टम रहता है वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जब अटैक करेगा मेरे घर के ऊपर तभी वो प्रोटेक्ट करेगा। तो चलो आगे देखते दोस्तों, अभी वो क्या बताता है, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अभी मेरे को अटैक में भेजेगा, तो मेरे को अटैक में भेज रहा है, वो सिखा रहा है कि कैसे अटैक करना है। देखो पहले किसी को कोई भी ट्रूफ्स दिया नहीं जाता, लेकिन मेरे को 5 विज़र्ड मिला है, वो सबको मिलता है स्टार्टिंग टाइम में। अभी क्या मेरे को कैसे छोड़ना दिखा रहा है, तो ये देखो ऐसे छोड़ना है, मैं छोड़ दिया। पहले डिफेंस सिस्टम को मारना है, कभी भी अटैक पे जाते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि डिफेंस को तोड़ना है। बाद में आप तो ऑटोमेटिकली वो तोड़ सकता है, क्योंकि डिफेंस को पहले मारना है, अगर डिफेंस जिंदा रहेगा तो तुम लोगों को मार देगा। तो ऐसा है, अभी क्या है मेरा अटैक कंप्लीट हो गया, मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो रिटर्न जाने के बाद अभी देखो इधर मेनली क्या है, सीएससी का मेन पॉइंट मुद्दा है कि उस पर आपको एक घर दिया जाएगा। जैसे कि देखो ये आपका टाउन हॉल है, ये आपका आर्मी कैंप है, ये आपका डिफेंस जो कैनन बैठा है, ये बिल्डर हंट है, ये बिल्डर हाउस है, और ये गोल्ड कलेक्टर है। तो ऐसा करके दिया जाता है, क्योंकि मेरे को अभी डिफेंस सिस्टम के लिए एक कैनन दिया, तो अभी मेरे पास ट्रूप्स नहीं है, तो ट्रूप्स के लिए कुछ देगा। मतलब ये क्या होता है, आपके पास कुछ सिपाही रहेगा या फिर ट्रूप्स रहेगा जो लेके आप दूसरे के बेस पे अटैक कर सकते हो। दूसरे के पास भी पैसा रहता है, मतलब ये जो गोल्ड है, गोल्ड उतार रहा है, गोल्ड माइन, देखो ये ऐसे मेरे को दूसरा भी देगा हम लोगों को। वो जो चोरी करने के लिए जाते हैं, मतलब दूसरे के घर से हम लोग वो उस पर अटैक करेंगे, उसका डिफेंस सिस्टम अगर वीक रहा तो हम लोग को वो गोल्ड मिल जाएगा। तो अभी देखो क्या बता रहा है, नेक्स्ट स्टेप बता रहा है कि और एक बिल्डर हंट लेने के लिए। देखो बिल्डर हंट लेने के लिए 250 जेम्स की ज़रूरत पड़ेगा, 250 जेम्स मेरा ख़त्म हो गया। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, कभी भी जेम्स ख़त्म नहीं करना है, बाद में जाके ये जेम्स बिल्डर खरीदने के लिए बहुत काम आता है। तो आगे देखते हैं ये क्या बता रहा है, आगे गए, अभी फिर से शॉप में भेज रहा है, तो एलिक्सर कलेक्टर ले रहे हैं। ये क्या करता है, मिट्टी खोद के एलिक्सर, एलिक्सर एक्चुअली एक टाइप का खाना होता है जो सिपाही लोग को तैयार करने के लिए यूज़ होता है, तो वो एक मिट्टी खोद के बनाता है। मैं फिनिश करता हूँ, नहीं फिनिश नहीं करूँगा क्योंकि उसमें जेम्स जाता है। तो जेम्स मैं दिखाने के लिए करता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ दो एक बार आपको, लेकिन आप कभी भी जेम्स ख़त्म मत करो। देखो फिर से मेरे को शॉप में भेज रहा है एलिक्सर, अभी कलेक्टर ले लिया, अभी एक है स्टोरेज है, कलेक्ट करके किधर रखना है, स्टोरेज में ही रखना है। तो मैं फिनिश कर दिया, आप कभी भी फिनिश मत करो। अभी फिर से शॉप में भेज रहा है। तो ये सब चीज़ क्या लेना है एक एक करके तुमको, ये स्टार्टिंग में दिया जाता है। ये क्या है, गोल्ड स्टोरेज है, मतलब गोल्ड जो गोल्ड माइन से, ये देखो ये गोल्ड माइन से आएगा, ये गोल्ड माइन से जो निकलेगा या फिर चोरी करके जो हम लोग मतलब लूट के लाएंगे वो ये स्टोरेज में जमा होगा, इधर वो एलिक्सर स्टोरेज में एलिक्सर जमा होगा। तो देखिए अपना स्टोरेज कैपेसिटी भी दिखाता है, इधर देखो अपना स्टोरेज कैपेसिटी है गोल्ड का, मैक्सिमम है 2500 है, और नीचे देखो एलिक्सर का भी दिखा रहा है 2500। तो इसको मैं जैसे जैसे अपग्रेड करूँगा तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो अभी पहले देख लेता हूँ कि ये फिर से भेज रहे हैं शॉप पे, तो कुछ नहीं, आर्मी बैरक्स, ये हो गया आर्मी बैरक्स, मतलब इसमें से आर्मी बनता है, इसमें मेरा आर्मी बनता है।
अभी देखो मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये देखो दिखा रहा है आर्मी ट्रेन करने के लिए। अभी क्या मैं ट्रेन कर लिया, अभी मैं फिनिश के लिए कर रहा हूँ। आपको 7 मिनट देखो वेट करना है राइट साइड में ऊपर, लेकिन मैं फिनिश आपको दिखाने के लिए फिनिश कर रहा हूँ जेम्स ख़त्म करके। लेकिन आप कभी भी जेम्स ख़त्म मत करो, लेकिन बाद में वो आपको पता चलेगा कि जेम्स ख़त्म नहीं करना है, बाद में बहुत काम आता है जेम्स। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अभी मेरे को अटैक पे भेजेगा क्या? वो खुद ही सब कुछ ट्रायल कर रहा है, मतलब वो सब कुछ सिखा रहा है हम लोगों को। अभी देखो अटैकिंग पे, देखो उसका एक आर्चर टावर है इधर, मैं छोड़ दिया, मैं बारबेनियन छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया। अभी देखो मेरा, मैं कुछ नहीं करूँगा, वो सब कुछ ही करेगा। तो उसने पहले डिफेंस सिस्टम को तोड़ा, बाद में उसका टाउन हॉल जो है, ये टाउन हॉल है, टाउन हॉल को तोड़ रहा है। तो मेरे को देखो गोल्ड 100% मेरा हो गया, देखो गोल्ड भी मिल गया मेरे को, और एलिक्सर में कितना मिला देखो, 500 500 मिल गया। तो ऐसा करके हम लोग के लूटने के बाद कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये पैसा जो आया मैं अपना 2000 पैसा, अभी क्या है ना देखो नाम इधर दोस्तों, एक बार आपने नाम डाल दिया, अभी मैं डाल रहा हूँ अनिक डाल रहा हूँ, ये अनिक डाल दिया, ये याद रखना। और एक ही बार आप चेंज कर सकते हो, अभी लिखा और एक बार चेंज कर सकते हो, बाद में चेंजिंग नहीं होता है वो। चलो ठीक है मैं नाम लिख दिया। अभी क्या बोल रहा है, टाउन हॉल को अपग्रेड करने के लिए देखो 1000 गोल्ड मांग रहा है। तो 1000 गोल्ड मेरे पास तो दो दो 2500 गोल्ड है, तो मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। अभी मैं फिनिश कर दिया, अपग्रेड कर लिया। अभी वो मेरे ऊपर फुल्ली छोड़ेगा, ये अपना प्रोफाइल देखो ऐसा क्रिएट हो गया, जितना ट्रूफ से इधर देख रहा है मेरे पास, अभी एक ही ट्रूफ खोला है, मतलब सिपाही एक ही है, उतना सारा जो सिपाही दिख रहा है ये सब खुल जाएगा धीरे धीरे। अभी कैसे खुलेगा वो आपको दिखाता हूँ। अभी फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेड है, वो पहले आपको हेल्प कर रहा था, जो सीओसी का हेल्पलाइन रहता वो हेल्प कर रहा था, अभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अभी क्या है आपका, देखो सब कुछ है, अभी आपको क्या है आपका आर्मी कैंप देखो खाली है। तो आर्मी, ये आर्मी बैरक्स में जो जाना है ट्रेन करने के लिए, देखो एक ही ट्रूप से, लेकिन मैं ये ट्रूप ट्रेन नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए कि क्योंकि मेरे को दूसरा ट्रूप चाहिए, तो मैं इसको अपग्रेड करता हूँ बैरक्स को। अगर अपग्रेड करते हो देखो आर्चर मिलेगा, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं फिनिश कर रहा हूँ, आप फिनिश ऐसे जेम्स में करिए। देखिए टाइम दिखा रहा है 29 मिनट, 29 मिनट के बाद मतलब 30 मिनट्स के बाद वो अपग्रेड हो जाता है। तो आप जेम्स ख़त्म मत कीजिए, आप वेट कीजिए बाद में खेलिए, क्योंकि जेम्स बाद में बहुत काम आता है। मैं आपको दिखाने के लिए इसको अपग्रेड किया। तो अभी देखो दूसरा से दूसरा ट्रूप भी मेरा खुल गया है, क्योंकि जितना बार आप अपग्रेड करोगे ट्रूप्स खुलता जाएगा। देखो अभी मेरा ट्रूप्स खुल गया आर्चर, मैं आर्चर ले लेता हूँ 20। अभी क्या करता हूँ मैं इसको फिनिश नाउ करता हूँ, फिनिश नाउ कर दिया। अभी देखो मेरे पास आर्चर आ गया, आर्चर आ गया। ऐसे करके मतलब आप सिपाही को ना ट्रेन कर सकते हो। अब ट्रेन करने के बाद अभी देखो मेरा एलिक्सर फुल खाली हो गया पूरा, तो मेरे को एलिक्सर चाहिए, तो मेरे को लूटने के लिए जाना है किधर। तो जैसे देखा एलिक्सर मिलता है तो मैं अटैक में जाता हूँ फाइंड मैच, अभी फाइंड मैच करने के लिए जाता हूँ। तो इधर मेरे को ढूंढना है किसके पास एलिक्सर ज़्यादा है। देखो इसके लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिखाएगा, जिसके पास आप जा रहे हो उसका दिखाएगा लेफ्ट साइड ऊपर में। इधर देखो 978 एलिक्सर है, तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा रहता है। जब मैं और एक बार सर्च किया, ये देखो 1500 है, तो मैं इसको मारूंगा तो मेरे को 1500 एलिक्सर मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले मेरे को डिफेंस सिस्टम तोड़ना है। देखो मैं अटैक कर रहा हूँ, पहले डिफेंस तोड़ लेता हूँ, ये आर्चर टावर है। अभी देखो मार रहा हूँ मैं, अभी क्या ना मेरा आर्चर मार रहा है इसका, उसका डिफेंस जितना से अब एक्टिव है, डिफेंस एक्टिव है मतलब वो भी, और उसका डिफेंस भी मेरे को मार रहा है। तो क्या होता है उसका डिफेंस भी मेरे को मार रहा है, और मैं भी एलिक्सर लेने के लिए आया, तो मेरे को कितना मिलता है देख लेता हूँ एक बार। मेरे को शायद ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उधर घूम गया और मार दिया सारे, क्योंकि मेरा एक लेवल का आर्चर है, तो उसका शायद थोड़ा अपग्रेडेड है, तो इसीलिए मेरे को मिला नहीं। चलो छोड़ दो, मेरे को 64 ओनली 64 मिला है। ठीक है मैं बाद में देखता हूँ, आपको पता चल गया होगा ऐसे करके क्या अटैक में जाना है, और अटैक में जाने के बाद क्या आपको कुछ लूट के लाना है। लूटने के बाद आपको वो जो मिलेगा उससे आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ, जैसे कि मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ गोल्ड स्टोरेज को, लेकिन इधर गोल्ड स्टोरेज के लिए मेरे को 75 एलिक्सर चाहिए, तो एलिक्सर मेरे पास नहीं है, तो वो छोड़ दो, मैं दूसरा मेरा कैनन अपग्रेड करता हूँ 1000 का। तो ऐसे करके दोस्तों मेनली क्या है, इसमें आपको घर दिया जाएगा और आपका जो ट्रूप्स वगैरह दिया जाएगा उसको अपग्रेड करते रहने का, और घर धीरे धीरे भरा होता जाएगा। तो ऐसे ही करके गेम खेलना है दोस्तों, आप समझ गए हो, आप खेलो। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे को कमेंट्स करो, या फिर कुछ जानना है डिटेल तो फिर कमेंट्स करो। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं सीओसी के ऊपर डिपेंडेंट
बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी नए नए वीडियो आएगा मेरा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।